अभी हम जिस रास्ते में चल रहे हैं ना, ये रास्ता मैप पे भी शो नहीं कर रहा। दिखाइए सर मैप, दिखाइयो। ये देखो मैप पे भी शो नहीं कर रहा जिस रास्ते में अभी हम चल रहे हैं। ये टॉप पे है और रास्ता नीचे है कहीं। ये भी अलग चीज है, ये भी अलग एडवेंचर हो गया भाई। रास्ता छोड़ के हम किसी और रास्ते पे चल रहे हैं। बस मैं आपको हाथ से दिखा देता हूँ कहाँ है, बताऊँ मेरा हाथ कहाँ है, मेरी उंगली कहाँ है। तो दोस्तों इसका देखो फोन अभी कहाँ के अपडेट, कहाँ का दिखा रहा है, माइनस वन कहाँ का है ये इनका। रात को मैं लेके चलता हूँ। चल भाई तू लेके चल भैया, तो बुरा हाल हो रहा है यार। ना बंदा है ना बंदे की जात है यहाँ पर, ना इंसान है ना इंसान की जात, कह रहा हूँ। सुनो पीक माउंटेन्स दिख गया यहाँ पे, देख रहे हो पूरे पूरे ऊपर स्नो पीक माउंटेन्स हैं। वो पूरा ग्लेशियर बना हुआ यार। और यार कितना पास में है सिमरन, बहुत दूर है, बहुत दूर है। ये देखो जूम करके दिखाता हूँ, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो फर्स्ट हमने देखा ये ग्लेशियर स्नो पीक माउंटेन। सो फर्स्ट रिवर क्रॉसिंग अपने रोड ट्रिप की, ये नाला है, नाला है। चार और आ जाए मजा। ये है झंस्कार जाने के लिए, पदुम जाने के लिए रास्ता, और रास्ता तो बड़ा ही खराब है। टॉफी दूं बच्चों को, छोटे से बच्चे को टॉफी चाहिए क्या? ये ले टॉफी। क्या नाम है तुम्हारा, नाम बताओ, नाम नाम जनाब पता नहीं क्या, हिंदी नहीं आती होगी, इंग्लिश आती है उनको। हाँ इंग्लिश आती है उनको। रास्ता तो बड़ा ही खराब है भाई, गांव गांव के अंदर से अंदर से पदुम जाने के लिए। पदुम जाएंगे पदुम। अभी हम जिस रास्ते में चल रहे हैं ना, ये रास्ता मैप पे भी शो नहीं कर रहा। दिखाइए सर मैप, दिखाइयो। ये देखो मैप पे भी शो नहीं कर रहा जिस रास्ते में अभी हम चल रहे हैं। वो है वो रास्ता नीचे है और हम ऊपर है। तुम गाड़ी चलाओ भाई। हमने मतलब गलत रास्ता ले लिया, बट ये आगे जाके मिक्स हो जाए, मिल जाएगा। ये कहाँ जाके मिल रहा देखिए, एक बार दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। हम पहाड़ी के टॉप पे हैं और रास्ता नीचे है कहीं। ये भी अलग चीज़ है, ये भी अलग एडवेंचर हो गया भाई। रास्ता छोड़ के हम किसी और रास्ते पर चल रहे हैं। दिखाता हूँ इस रोड पे हम चल रहे हैं, इसे रोड नहीं कहते अपनी क्या बोलते हैं, बस समझ लो पहाड़ के ऊपर है, टॉप पे और रोड है। अभी कोई गाड़ी जाती है दिखाता हूँ, गाड़ी तो अभी ऐसे कोई दिख नहीं रही। बस मैं आपको हाथ से दिखा देता हूँ कहाँ है, बताऊँ मेरा हाथ कहाँ है, मेरी उंगली कहाँ है, ये रही मेरी उंगली भी। ये जो घर दिख रहे हैं ना, उधर से रास्ता है, वो रास्ता जा रहा है पदुम, और हम यहाँ पर पहाड़ी के टॉप पे चला रहे हैं अपनी गाड़ी। वो उधर रास्ता है और हम इधर चल रहे हैं। अभी वहाँ जाके कहीं आगे जाके ये रोड मिक्स मिलेगी तो हम जाके सही रास्ते में चढ़ेंगे फिर यार। रात को इस रास्ते में चलाना मुश्किल है भाई। एक तो बोर्ड पे साइन बोर्ड भी नहीं है, लिखा भी नहीं है कि कहाँ कहाँ है, कहाँ जाना है। और पेंचर हो गया, फिर तो हो गया। पेंचर ना बोल भाई, ट्रक नहीं तो कर रहा है। फर्स्ट टाइम साइन बोर्ड देखा झंस्कार का, और कोचिक नीचे है झंस्कार ऊपर है, तो हमें सीधा ही जाना है इसका मतलब। सो दोस्तों वो देखो वो है रास्ता जो आगे गाड़ी चल रही है, देखो गाड़ी जा रही है तो वो है मेन रास्ता। बाकी अब कुछ ऑप्शन तो है नहीं, साइन बोर्ड लगा हुआ झंस्कार का इस ऐसे ही, तो इधर ही चलते हैं अभी यार। नीचे आगे कहीं और चले जाए इसका फायदा है ना। तंगुल जगह का नाम है विलेज का, और रिलायंस जियो का यहाँ पर पूरा टावर लगा हुआ है। देखो फुल 4G नेटवर्क आ रहा है यहाँ पर, ऐसे रिमोट एरिया में भी। अब तो जियो ने तरक्की कर दी है पूरी नेटवर्क की अब सब जगह। बाकी जो उधर वाला रूट दिख रहा है आपको, वो रोड मेन रोड वही है कारगिल पदुम का, बट वही वो काम चल रहा है, पूरा रोड नया बना रहे हैं, इसलिए वो बंद कर रखा है। तो यही चाइना की भाषा पकड़ रहा है भाई तेरा। चाइना दिखाइयो टाइम, दिखा टाइम कितना दिखा रहा है, टाइम 5:30।
टाइम से दिखा दोस्तों इसका, देखो फोन अभी कहाँ के अपडेट, कहाँ का दिखा रहा है, माइनस वन कहाँ का है ये का। रात को हो जाएगा, अभी 3 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। शंकु तो पीछे आया था ना जब। हाँ चाइनीज लैंग्वेज भी आ गई तेरे तो फोन में, चाइनीज लैंग्वेज आ गई इसके फोन में। बाकी रास्ता तो काफी ज्यादा ऑफ रोडिंग वाला है, अभी 2 घंटे लगेंगे यहाँ से रंगदून जाने के लिए। तो आज देखते हैं रंगदून ही रुक जाते हैं या फिर पदुम वहाँ जाके पता करते हैं, अगर रंगदून से पदुम तक पहुँच पाए पॉसिबल हुआ तो निकल जाएंगे फिर। तो दोस्तों जब ये रोड आई है, ये है मेन रोड, ये देखो पीछे डाइवर्जन है, तो ये कारगिल से रोड पूरी आ रही है, और जब हम ऊपर से आए ये अभी रोड पूरी बन रही है ना भाई, ये जो रोड है ये कारगिल जा रही है पीछे ना, ये भी पूरी रास्ता बंद कर रखा है, बन रहा है मेन रोड है। अभी जो ऊपर से आया वो कच्चा रोड था, गांव वाला बड़ा गंदा रोड है। अब रोड ऐसी ही है, सही है अब ठीक है, रंगदून तक बन रहा है, ऐसी बन रहा है रंगदून तक झंसार का ऐसी बन रहा पूरा। अच्छा अब रोड ऐसी ही चौड़ा रोड है, ठीक है धन्यवाद। अच्छा तो अब आए हम असली हाईवे पे, कारगिल झंसकार हाईवे, ऑफ रोड हाईवे। अब ऑफ रोड हाईवे हो गया ये, पहले टोटली ऑफ रोड था, अब 70-30 हो गया। मिट्टी देखो दोस्तों, मिट्टी कैसे उठी है रोड पे, पूरा ऑफ रोडिंग है ये। शीशा खोल के दिखाएगा तू, सफेद हो जाएगा बाहर, बाहर आई फोटो वीडियो बनाना तू वहाँ कट हो जाओ। ठीक है से जाऊं, फॉग आ रही है तो मिट्टी की जगह दिख ही नहीं रहा ना कुछ आगे, नहीं दिख रहा है, चढ़नी मुश्किल हो जाएगी। थोड़ी वहां चढ़ाओ, जब बनी हुई ना जब चढ़ा तो दूंगा मैं, नहीं चढ़ा दोगे वो जगह बनी रखो वहां से। अरे नीचे से भी रास्ता है ना, देखना कटा बना हुआ है, पूरा रास्ता बना हुआ है। तो दोस्तों ये तो गलत नहीं कह रहा, मैं कहां ले गया था बंदा, निशान देख रहे हो टायर का, देख क्या सुन यार, देख क्या, एक बार सही में कह रहा हूँ, वो नीचे था भी पूरा, वो देख कहाँ उसका पैर टायर था कहाँ था, देख ये बार नीचे जाकर दिखा, नीचे जाकर दिखा, ये बार नीचे जाकर दिखा, दिखा ये बार नीचे जाकर दिखा कसम से। अरे कुछ नहीं होता, चलना ये बार दिखा, तो बंदा बच गया, वो उसको पहले रोका है, नहीं तो जा रहा था वो, देख दिखा इनको दिखा, ये देखो जी ये, हाँ ये यहाँ से आया वो, और वो उसका टायर देखो वहां गया, देखो सर क्या खाई है पूरी। दोस्तों यहाँ पानी की स्पीड देखो, यहाँ पे पानी की स्पीड, और ऊपर ग्लेशियर है पूरा, स्पीड देखो पानी की, यहाँ पे आवाज सुन रहे हो पानी की, बहुत तेज आवाज है, सारा पानी ऊपर ग्लेशियर से नीचे यहाँ ऐसे आ रहा है। तो दोस्तों आगे जा रहे रोड देख रहे हो, है चंबल की घाटी में, शीशा साफ ही है भाई, अब इससे ज्यादा साफ नहीं होगा, अभी मिट्टी है पूरी चीज़ें पे, अच्छे से वॉश करना पड़ेगा, पेंसिल बहुत ही मिट्टी है, रोड तो बड़ी खतरनाक है, हाईवे है ये, जो इंजन सपोर्ट के, इंजन सपोर्ट होती क्या होता है वो, उसके भी नक्के वक्के टूट के लग रहे हैं, अभी सिमरन ने देखा तो है, अभी देखते हैं कहीं रुकेंगे ना, फिर देखते हैं आपको वीडियो में। अभी जो अंडर बॉडी होता है ना नीचे गाड़ी के इंजन नीचे, वो प्लास्टिक की नहीं होती उसको बोलते हैं, अंडर बॉडी गार्ड ही होता है यार, वो प्लास्टिक इंजन गार्ड होता है, स्टोन गार्ड बोलते हैं। सो जो गाड़ी के नीचे इंजन के नीचे स्टोन गार्ड होता है प्लास्टिक का, इसके टूट गया है मुझे लग रहा है, बहुत जगह लगा है यार, बहुत ही ज्यादा ऑफ रोड है ये, तो जब से इस रोड में घुसे तब से ऑफ रोडिंग है, 200 किलोमीटर तो ऑफ रोड हो गया, कितना और कुछ है, फिर रंगदून आएगा, रंगदून ही आज स्टे करेंगे यार, रंगदून तक तो अंधेरा हो जाएगा, नहीं चलेंगे ऊपर, कहाँ तक ऊपर कहाँ तक, पागल हो रहे क्या, ये ऐसा रोड होगा तक जा सकेंगे, पागल है तुम तो यहाँ आए हम, नहीं पागल है यहाँ आए, पर अभी रात का टाइम अच्छा नहीं है ना भाई, कुछ गाड़ी में कोई प्रॉब्लम वॉब्लम हो जाए, कोई मदद भी नहीं मिलेगी, पीछे दोस्तों ऊपर देखो ग्लेशियर, स्नो पीक माउंटेन, भाई साहब गजब लग रहा है, कैमरे वो नहीं देख रहा जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ यार,
अलग ही मतलब ऐसा लग रहा है चांदी है ऊपर यार बर्फ के ऊपर, सॉरी माउंटेन के ऊपर चांदी रखा हुआ यार। गजब 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 कहते ना जैसे, मतलब वर्ड नहीं है, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, वर्ड नहीं है कि मैं क्या बोलूं, अजब ही है। दोस्तों ग्लेशियर और पास से दिखा रहा हूं आपको, ये देखो दोनों साइड बिल्कुल ब्लैक माउंटेन है और बीच में स्नो पीक माउंटेन है ग्लेशियर से भरा हुआ पूरा, देख रहे हो है ना कुछ डिफरेंट यहाँ पे भी। सो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं रंगदून, करीब करीब कितने घंटे लग गए यार भाई, लग गए हमें आज कम से कम 8 घंटे लग गए। अरे नहीं भाई सुबह निकले थे कारगिल से, हम 2 बजे निकले थे हम भाई, गेस्ट हाउस से निकले थे 2 बजे, तो कारगिल से निकले गए देखेंगे ना हम, तो हमें करीब करीब यहाँ पर पहुंच गए लग गए हैं 5 से 6 घंटे, जिसमें बीच में हमने 1-2 स्टॉप लिए थे, बड़ा ही रोड खराब था। अब यहाँ पर कुछ ढूंढते हैं गेस्ट हाउस या कुछ, फिर यहाँ स्टे करते हैं भाई, रात को कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर। गेस्ट हाउस है क्या है, गेस्ट हाउस ये गाड़ी जो खड़ी है ये लगा देखना, ये कुछ लिखा हुआ है बोर्ड बोर्ड है भाई, कैफे है कोई, ठीक है लगा दूं वहां पे फोन, मैं लेके चलता हूँ। चल भाई तू लेके चल, यहाँ तो बुरा हाल हो रहा है यार, ना बंदा ना बंदे की जात है यहाँ पर, ना इंसान है ना इंसान की जात, कह रहा हूँ किससे पूछे किसको आवाज लगाए। लोमड़ी जानवर दिख रहे हैं, लोमड़ी दिख रही है, इंसान नहीं दिख रहा, बस सब अपने घर में घुस के सो गए भाई, ना गेस्ट हाउस है ना कुछ है, ये है शायद रास्ता है पानी, पानी के अंदर से है ना गाड़ी खड़ी है, खड्डा ले नहीं रहा, मैं लाइट जला रहा था उधर, ये है क्या गेट देख आगे जो ये वाला गेट, ये गेट लग रहा है, चल भाई देखते हैं वहां पर भी ट्राई करके, कैंप पे लाइट तो लग रही है तो जाके रंगदून। सो दोस्तों अभी हम पहुंचे रंगदून, और रंगदून में ऐसा हमें एक होम स्टे मिला है, काफी नया अच्छा लग रहा है बनना हुआ है, ये देखो ऐसे बेड है नीचे, तो भाई ये बढ़िया है, साथ जियो का टावर भी है, साथ में जियो का टावर भी मिल गया। एयरटेल ने तो हम दम तोड़ दिया, दम एयरटेल ने तो दम तोड़ दिया, जियो यहाँ पर एयरटेल ने तो अपना दम तोड़ दिया, अब जियो अपना यहाँ पर सहारा है, बाकी स्पीड तो ठीक है 4G आ रहा है, बाकी स्टोरेज तो स्पीड कम है, अब बस अब क्या बोलें, अब कल का हमारा टारगेट है पदुम का, पदुम से ले देखते कल, कल में अगर क्लियर हो जाए तो, बाकी आज तो बहुत ही गंदा ऑफ रोड था, अभी आगे भी ऐसे ही है 100-110 किलोमीटर यहाँ से पदुम है, तो वो भी ऐसी है पूरा ऑफ रोड, ठीक है तो सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, बस अब खाना वाना खाते हैं, अभी होम स्टे है तो वो खाना बना रहे हैं, खाना खाते हैं उसके बाद फिर आराम करते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ के निकलेंगे, हमेशा रोज यही बोलते जल्दी उठेंगे, उठते उठते लेट ही हो जाता है, नहीं हाँ उठ जा उठा देंगे, ठीक है दोस्तों तो आज की वीडियो में इतना ही, बस कमेंट करना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। हेलो कैसे हो, कैसे हो सर, बस बढ़िया बढ़िया, कहाँ से सर, दिल्ली, दिल्ली आप कहाँ से, हम तो यहीं सर कारगिल से, कारगिल से अच्छा, बाइक से नहीं सर, यहाँ कंपनी वाले के साथ, जियो वाले के साथ, जियो अच्छा, तभी नेटवर्क अच्छा आ रहा है जियो का, अभी हम बैठे हैं सर यहाँ पे इसीलिए, हाँ नेटवर्क आ रहा है, और हमने तारीफ कर दी जियो की, क्या नाम है सर, सो बस आज की वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा जरूर बताना कमेंट करके, बस एक छोटा सा यार लाइक करना शेयर करना और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, आप लोग देख ही रहे हो कितनी मेहनत कर रहे हैं यार कंटिन्यूसली, बस पहले साउथ इंडिया राइड फिर अब यहाँ से, तो अभी चल ही रहा है रोड ट्रिप अपना, बस यार सपोर्ट करना सब्सक्राइब करना ज्यादा शेयर करना इस वीडियो को, मुझे भी फॉलो करो, और जो हम जिस रास्ते से भी आए हैं कारगिल से रंगून रंगदूम, हम जिस रास्ते से आए हैं अभी कारगिल से रंगदूम, ये रास्ता बहुत ही ज्यादा अभी खराब है इस टाइम, आने वाले 1 साल के बाद ये रास्ता एकदम स्मूथ हो जाएगा, तो ये जो ऑफ रोडिंग है बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो अगर ऑफ रोडिंग के मजे लेने हैं और देखना है असली एडवेंचर तो अभी आ जाओ, वरना अगले साल तक तो शायद रोड बिल्कुल बढ़िया हो जाए, ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है क्या बोलना है, गुड बाय।